आज अनिल प्रसाद हेगड़े जो एक कार्यकर्ता जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया, वैसे कार्यकर्ता को मिले तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। फोन किया कि आपको राज्यसभा में जाना है, तो वो चींटी काट के देख रहे थे कि सही में जाना है या सपना है। तो एक कार्यकर्ता को इतना अच्छा स्थान उन्होंने हेगड़े साहब को दिया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है इसको कोटि कोटि धन्यवाद है और बधाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ। शिवम किंग महेंद्र के निधन के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली हुई थी जिस पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जेडीयू के तरफ से अनिल हेगड़े को उम्मीदवार बनाया गया है और आज जब बिहार विधानसभा में अनिल हेगड़े नॉमिनेशन करने पहुँचे थे और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समेत तमाम जितने भी एनडीए के नेता थे वहाँ पर मौजूद थे और सभी एनडीए के नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार प्रकट किया है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के साथ साथ शहनवाज हुसैन और मंत्री प्रमोद कुमार, पहले आप वो सुने। बहुत अच्छा हुआ हमारे, हम तो भाई नीतीश जी को बहुत धन्यवाद उनकी पार्टी को देते हैं कि आज अनिल प्रसाद हेगड़े जो एक कार्यकर्ता जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया, वैसे कार्यकर्ता को मिले तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। इसलिए आज हम लोग काफ़ी खुश हैं कि अनिल प्रसाद हेगड़े जैसे लोगों को मिला है। मैडम, तेज प्रताप यादव जी पाठशाला शुरू करने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग तेज प्रताप यादव पाठशाला, उनका उनका पाठशाला वो तो जानते हैं, उनकी पाठशाला क्या होगी। दल को तय करना होता है और नीतीश कुमार जी को बहुत बधाई कि एक कार्यकर्ता को उन्होंने हेगड़े साहब को, जो इतने समर्पित कार्यकर्ता हैं जिनको इन्होंने फोन किया कि आपको राज्यसभा में जाना है, तो वो चींटी काट के देख रहे थे कि सही में जाना है या सपना है। तो एक कार्यकर्ता को इतना अच्छा स्थान उन्होंने हेगड़े साहब को दिया है, इसके लिए हम लोग नॉमिनेशन में आए थे, उनको बहुत बधाई देते हैं। आपका नज़र उधर गेट पे है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री एनडीए के नेता श्रीमान नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने प्रभु राम राज्य, जो हम लोग राम मंदिर बना रहे हैं, और राम राज्य जो महात्मा गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना की थी, और राम राज्य क्या है इसको भी समझने के दिशा में आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रभु राम के दो पुत्र थे लव और कुश, लेकिन लव कुश को हम लोग आज नहीं पूछते, लेकिन राम के सेवक कौन थे तो हनुमान, आज पूरा देश हनुमान को पूछता है। उसी तरह राम के अनुसार जो पार्टी के सेवक था, सेवक हैं अनिल हेगड़े, वो जो 37 वर्ष से आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस जी के साथ काम किए, वैसे कार्यकर्ता को आज राज्यसभा में भेजकर ये सेवक को एक स्थान देने के दिशा में जो काम किए हैं, ये राम राज के सेवक के समान है। प्रभु राम जब जल समाधि ले रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हे हनुमान, हनुमान जी भी साथे साथे जा रहे थे, तो कहा था कि हनुमान तुम अभी जल समाधि मत लो, तुम कलयुग के भगवान और तुम्हारा ही अनुकरण, सेवक का ही अनुकरण देश करेगा। तो आज एनडीए के जो सेवक थे अनिल हेगड़े जी, उस सेवक को सम्मान देकर आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, जो राजनीति के अंदर बहुत सारे लोग राजनीति में राज्यसभा में जा रहे हैं, अपना अपना बाल बच्चा, अपना अपना परिवार, अपना अपना सिस्टम के लोग को ले जा रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है इसको कोटि कोटि धन्यवाद है और बधाई है। तो आपने साफ तौर पे सुना, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के साथ साथ सभी बिहार सरकार के मंत्रियों ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार प्रकट किया है और साफ तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पुराने कार्यकर्ता का आभार किया है। तो ऐसे में हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बहरहाल, आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।